हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये लुक शेयर करूँगी जिसमें मैंने ये पिंक कलर का मेकअप किया हुआ है, जो कि आप अपनी शादी या फिर अपने मेहंदी या इंगेजमेंट में कर सकती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, आप भी कर लेंगे। और मैं यहाँ पे आई बेस के लिए ये निक्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप होता है अगर आपको बिल्कुल HD टाइप ऑफ मेकअप करना है। और फिर इस तरीके से अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही शार्प और एक क्लीन लुक देता है अगर हम आईब्रोज़ को इस तरीके से क्लीन कर लें। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर पैलेट लूँगी और इसमें से येलो शेड लेकर अपने आईलिड्स को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। आई शेडो जो मैं आज यूज़ करूँगी वो है ये रेवोल्यूशन का न्यूट्रल्स वर्सेस न्यूट्रल्स पैलेट। और क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर से पिंक टोन्स हैं, इसीलिए ट्रांजिशन शेड के लिए ये बिल्कुल ही पेल सा पिंक ले रही हूँ। और उसको अच्छे से अपने क्रीज पे लगा ले रही हूँ। ध्यान रखिए, जितना टाइम आप लेंगे इस कलर को ब्लेंड करने में उतना ही अच्छा आपका आई लुक आएगा। सो यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट विद द आई लुक एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करते रहना है जब तक यू डोंट गेट योर डिज़ायर्ड कलर। सो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड अप माई क्रीज। सो यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम वे। आपके पास कोई और आई शेडो पैलेट हो तो आप उससे भी इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, थोड़ा सा एक डेप्थ देने के लिए ये उससे थोड़ा सा डार्क पिंक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत डार्क नहीं है, लेकिन जो हमने सबसे पहला शेड यूज़ किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। सो अब मैं इसको ज़्यादा जो है ये आउटर वी पे फोकस करके अंदर की तरफ इसको लूँगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आईज़ है ना उसको डेप्थ मिल जाएगा, सिर्फ फ्लैट नहीं लगेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट बिल्डिंग अप द कलर एंड ऑल्सो बफिंग इट विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश एंड आई हैव टेकन दिस डोम शेप ब्रश। इसके बाद आई एम टेकिंग दिस डार्केस्ट पिंक कलर एंड नाउ बस मैं इसको आउटर वी पे ही फोकस करूँगी, बिकॉज ये जो है मेन इस लुक का मेन कलर है और इससे ही हमारी जो क्रीज है, जो आउटर वी है, ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो अब मैं अपने फेस को प्राइम करने जा रही हूँ। प्राइमर के लिए यूज़ किया है ये कलर बार का प्राइमर। गाइस, एक आई शेडो भी मैंने यहाँ लगाया था बट शायद मैं भूल गई वो इंसर्ट करना, या ये उससे मैंने उसको शूट नहीं किया। मैं उसका नेम ज़रूर दे दूँगी, आप देखना। तो अच्छे से मैं टी जोन पे अपना लगा रही हूँ ये वाला जो प्राइमर है कलर बार का। और फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है NC42 और ये बहुत ज़्यादा निकल गया है मेरे हैंड पे। तो पहले मैं इसको डॉट डॉट करके आई विल स्प्रेड इट ऑन माय चीक एरिया एंड अच्छे से नोज़ एरिया पे भी एंड फोरहेड एरिया पे भी। मेरा फोरहेड थोड़ा सा डार्क है मेरे फेस से, सो दैट इज़ वाई कुछ भी मैं लगाती हूँ तो मुझे वहाँ पे एशी लुक देता है। और देखिए, इतना फाउंडेशन बच भी गया है क्योंकि उसमें पंप नहीं आता तो ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसको अच्छे से पैक 265 स्टिपलिंग ब्रश से बहुत ही अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, फोरहेड को भी ब्लेंड कर लूँगी। आप देखेंगे तो मैं इसको स्टिपल भी कर रही हूँ और इसको प्रेस भी कर रही हूँ स्किन के अंदर, ताकि लाइंस ना बने मेकअप में। उसके बाद जो थोड़ा सा और बच गया था इसको मैं बिल्ड अप कर ले रही हूँ अपने फेस पे। तो गाइज, ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी कवरेज देता है और बिल्डअप बहुत इजीली हो जाता है और ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई लेयर लगा रखी है फाउंडेशन की। तो इसी वजह से मुझे ये फाउंडेशन बेहद पसंद है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है बट बिल्कुल वर्थ द मनी है। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी ये कंसीलर, ये है एले गर्ल का प्रो कंसील कंसीलर और मेरा शेड है प्योर बेज। तो ये मेरे ही स्किन टोन का है आप जैसे देखेंगे। तो मैं इसको पहले लगाऊंगी अपने अंडर आईज़ पे और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है मैं वहाँ वहाँ उसको लगा लूँगी। और इसकी भी कवरेज बहुत अच्छी है
और इसको मैं इस डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही अच्छे से पुश इन कर लूँगी अपने फेस पे। कंसीलर भी ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार फाउंडेशन अगर हमने ज़्यादा लगा लिया होता है तो कंसीलर ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से कंसीलर जो है ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं निक्स का कंसीलर ले रही हूँ मीडियम शेड में और हाईलाइट कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा लेकर हाईलाइट करूँगी अपने फेस को, आईज़ के नीचे थोड़ा सा लगा ले। अब इसको मैं फिंगर से ही करूँगी। थोड़ा सा पेशेंस और टाइम लेके आप करेंगे तो आपका जो बेस है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक यू विल एज द बेस, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट विद एवरीथिंग। उसके बाद मैं ये किस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे लेके फेस को ऐसे सेट कर लूँगी। और इसके बाद जब मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो गया, मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ करूँगी। ये वेट एंड वाइल्ड का ही पैलेट है, देखिए मेरा फेस कितना ज़्यादा इंस्टेंट ब्राइटन हो जाता है इसका पाउडर यूज़ करके। बहुत ही बेहतरीन ये पैलेट है और सस्ता भी आ जाता है, फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और हल्का हल्का फिर अपने पूरे फेस को भी मैं इसी पाउडर से सेट कर लूँगी। फिर मैं ये कॉन्टोरिंग शेड लूँगी और कॉन्टोरिंग कर लूँगी अपने फेस पे। ये एक मैंने एंगल ब्रश लिया है और इसी से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश लगता है मेरे स्किन पे, लेकिन फिर भी कॉन्टोर का काम कर देता है। और ऐसे फेस बनाकर ऊपर की तरफ अपने कॉन्टोर को लेके जाऊँगी। अब मैं ब्लेंड भी करूँगी, डोंट वरी। इसके बाद ऐसे से एक फ्लफी ब्रश से लेकर मैं अच्छे से अपने फेस को ब्लेंड कर लूँगी। फिर यही जो बनाना पाउडर है इस पैलेट का, उससे अपनी रिवर्स कॉन्टोरिंग कर लूँगी और अपने जो कॉन्टोर है उसको क्लीन कर लूँगी ताकि एक शार्प और चिजल्ड सा लुक दे। अब मैं अपने जॉ लाइन को कर रही हूँ कॉन्टोर। अब देखेंगे मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करती हूँ अपने जॉ लाइन को, क्योंकि मुझे वो डबल चिन वाला जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको आपका फेस भी ब्रॉड है। अब मैं फोरहेड को भी कॉन्टोर कर लूँगी इसी पैलेट से, नोज़ को भी कर लूँगी हल्का सा, और नोज़ के कॉन्टोर को मैं ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर्स से ही, क्योंकि ये फिर नेचुरल लुक देगा। अगर आपके पास कोई पतला या टूथब्रश वाला जो ब्रश होता है वो है तो आप उससे कर सकते हैं, बट मैं हाथ से ही प्रेफर करूँगी। इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी वही शेड से जो पाउडर वाला शेड है, बीच में भी लगा लूँगी उसको नोज़ के कॉन्टोरिंग पैलेट वाला जो येलो शेड है वही लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। थोड़ा सा और ब्लेंड कर रही हूँ इसको। नाउ आई एम थिंकिंग व्हाट टू यूज नेक्स्ट, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लश बाय एसेंस एंड इट्स अ मैट ब्लश, इट्स इन द शेड 03 एंड काफी प्यारा ब्लश है। इस लुक के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है, देख रहे हैं आप, लाइक इट्स वेरी नाइस। एसेंस हैज सम बेस्ट क्वालिटी ब्लशेज, आई लव देयर ब्लशेज। पहले तो वो इतने चीप है, इनएक्सपेंसिव है और इतने अच्छा वर्क करते हैं। मेरा फेस बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ब्लश लगाने के बाद। एंड डोंट वरी, आपको अगर ज़्यादा लग रहा है ये थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा अपने आप ही। अब मैं सेटिंग स्प्रे ले लूँगी, फिर से अपने फेस को सेट कर लूँगी ताकि पाउडर ही ना लगे। उसके बाद मैं अब यहाँ पे लोअर लैश लाइन कर लूँगी। यहाँ पे मैं वही सारे शेड्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपनी क्रीज पे किया था। अब मैं यहाँ पे लॉरेल का जेल काजल यूज़ करूँगी, सिर्फ अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊँगी। वैसे तो मैं काजल इतना नहीं लगाती, लेकिन मुझे आज बड़ा मन कर रहा था काजल लगाने का, तो मैं ये जेल आईलाइनर लूँगी और अपने वाटर लाइन पे ही लगाऊँगी। ये लॉरेल का जेल आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है और 500 में आपको मिल जाएगा ऑफ़ के ड्यूरिंग। तो जब आपको इसको ये ऑफ़ पे दिखे तो इसको फटाफट से ख़रीद लेंगे, बहुत अच्छा है ये, मेबेलिन से ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और मैंने सोचा अपर लैश लाइन पे भी लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया।
अब मैं ये जो है फोकुल्योर का पैलेट है इससे ये सिल्वर शेड लेकर और थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए अपने आईलेट्स पे लगा लूँगी। इसका मैंने रिव्यू किया है, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं फेक लैशेज लगाऊंगी, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो मैंने अब यहाँ पे मस्कारा ले लिया है, ये लैश सेंसेशनल मस्कारा है और ये फेक लैशेज का काम कर देता है मेरे लिए। अब देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ जाता है इसको मस्कारा लगाने पर। और अब मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने उसके बाद ही इस तरीके से लोअर लैश लाइन पे लगाएं। अब हाइलाइटर के लिए यूज़ करूँगी ये मेबेलिन का मोल्टन गोल्ड में मास्टर क्रोम हाइलाइटर और अपने फिंगर की हेल्प से ही लगा लूँगी। कैन यू सी द ग्लो? अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड क्लियोपेट्रा एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड। एंड मैंने इसमें दिखाया नहीं है, मैंने क्लियोपेट्रा यूज़ किया है, उसके बाद मैंने शाई स्टाइल्स का मिस्टर सीको यूज़ किया है बाद में। और गाइज मेरी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल इंटैक्ट थी, इतना मैंने खाया पिया लेकिन लिपस्टिक फिर भी मेरे लिप्स पे थी। ये कलर तो बहुत ही सुंदर है, बट इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने जो शाई स्टाइल्स की लिपस्टिक है द मेकअप स्टोरी मिस्टर सीको वो लगा लिया था। अभी आप देखेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने। और ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं जो लिपस्टिक है बहुत ही सुंदर लग रही है। गाइज अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना। और ये है बिल्कुल एंड लुक, ये रात के आई थिंक 12 या 1 बज रहे थे तो तब मेरा मेकअप इस तरीके का दिख रहा था।